छात्राओं से छेड़छाड़, बदतमीजी और विरोध करने पर टीसी देने की धमकी देने वाले प्राचार्य को तत्काल हटाया गया। मर्दाकला हाई स्कूल में पढ़ने वाली छात्राओं के साथ प्राचार्य के द्वारा छेड़छाड़ एवं बदतमीजी से नाराज होने वाली छात्राओं को टीसी देने की धमकी देने वाले प्राचार्यों को जिलाधीश ने स्कूल से हटा दिया है। साथ ही इस संबंध में तत्काल जांच कमेटी का शिक्षा अधिकारी के नेतृत्व में गठित कर 3 दिनों के अंदर रिपोर्ट देने को कहा गया है ताकि इस पर तत्काल कार्रवाई किया जा सके। मैं आज पढ़े नहीं जाता स्कूल का सिटी निकाल देवे कहते तनखा भर निकालू रे कहाँ जावे गुन पढ़े लगा तो मैं जाँच नहीं वहाँ तो सर हम नाप सनाप कहते कि नहीं नहीं तब मैं कसर सर नाप सनाप कही कि पानी में जाँच नहीं कि सौरो सुध दी जटना में तो काय का हो तेल कैसे मैं जानू सर नहीं तेकर से ती में ओकरे से ती आए हूँ कि सर लमे जाँच नहीं कही कि मुला दूसर चार चाहिए कही लड़की बताते हो साथ छेड़छाड़ करते बताते हाँ लड़की बताते क्या बताते उसने कमरा में बोलते कहते के जनाऊ काय काय दुनिया भर चकलस का एक कारण कहते कहते और नहीं थे। मर्दाकला हाई स्कूल के प्राचार्य द्वारा छात्राओं से छेड़छाड़ बदतमीजी करने के साथ ही उनके हरकतों का विरोध करने पर स्कूल से टीसी दे देने की धमकी दी जाने की शिकायत जन चौपाल में जिलाधीश से की गई थी जिसे जिलाधीश ने गंभीरता से लिया और आदिवासी सहायक आयुक्त को जांच कमेटी गठित करने का निर्देश देते हुए तत्काल प्राचार्यों को वहां से हटाने का निर्देश दिया गया था। इसी कड़ी में आज गरियाबंद के सहायक आयुक्त नवीन भगत ने उक्त प्राचार्य को शाला से हटाते हुए मैनपुर जिला शिक्षा अधिकारी को जाँच कमेटी का अध्यक्ष के साथ 3 सदस्यीय दल बनाते हुए 3 दिनों के अंदर रिपोर्ट प्रस्तुत करने को कहा है। प्राचार्य महोदय लगातार हमारे स्कूली छात्र मन के द्वारा मतलब छेड़खानी करा थे देकर शिकायत हमारे स्कूली छात्र मन दाल मिलत रही देकर शिकायत करे बर हमार मन आए हैं। जब लड़का मन एक विरोध करें तो स्कूली छात्र मन ला टीसी लेके भगा दूँ कई कैसे प्रकार के धमकी लगातार प्राचार्य के द्वारा दिए जाते ओकरे संबंध में हमन कलेक्टर महोदय ला ज्ञापन सौंपे पर आए हैं और हम चाहते हैं कि तत्काल प्राचार्य महोदय के ऊपर कार्रवाई हो। और मर्दाकला की बच्चियां आई थी कलेक्टर महोदय के समक्ष, उनके द्वारा आवेदन प्रस्तुत किया गया था तो मामले की गंभीरता को देखते हुए जो है हमने तुरंत एक जांच कमेटी बनाई है शिकायत जांच के लिए और जांच प्रभावित न हो इस कारण जो है वहाँ के प्राचार्य को है तत्काल स्थानांतरित कर दिया गया है। कमेटी की अध्यक्षता जो है BO मैनपुर कर रहे हैं, उनके साथ और 2 सदस्य हैं।